भोलेनाथ ने हमारी सुन लिया अपर्णा जी, हमारे बेटे को सद्बुद्धि दे दी, बस अब जल्दी से इमली हाँ कहते। शायद ऐसा ही हो सकता है इमली हाँ कहते, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इमली पर कोई जोर नहीं डालूंगी। ये लीजिए, जिसका दाम सबको इंतजार, वो आ चुकी है हमारे द्वार। अरे देखिए इमली आ गई। हमारे पास ऐसे आकर तुमने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हमने, लेकिन हम फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तुमने हमारी सारी खुशियां वापस लौटाई है हमने, हम भी तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं, सिर्फ अभी इस पल एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। तुम हमारी पहली पत्नी थी, अब हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों ने बहुत कुछ गवाया इमली, भरोसा, साथ, प्यार, लेकिन अब हम ये वक्त नहीं गवाना चाहते। हम इतने दिनों से तुमसे सजा मांग रहे थे इमली, अब तुमसे तुम्हारा हाथ मांग रहे, हमें फिर से अपना लो, हमसे शादी कर लो। कुछ कहो ना इमली, हाँ कह दो ना। हम आपसे बयान नहीं कर सकते, आपसे बयान नहीं कर सकते, आपसे बयान नहीं कर सकते। क्यों इमली? क्योंकि अब हम किसी और की पत्नी है, किसी और की पत्नी है, किसी और की पत्नी है। हम हर शर्त मान ली, हर शर्त मानने को तैयार है अब, प्लीज। नेगोशिएशन के दो उसूल होते हैं इमली। पहला पावर, सामने वाले को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कितनी लाचार हो, कितनी बेबस हो, वरना वो तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा। इन हाथों में भले ही कुछ भी ना हो,
तब भी इन्हें किसी के सामने फैलाकर या छोड़कर नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे तुम्हारी पावर खत्म होती है। और दूसरा प्रॉफिट, हर डील हर नेगोशिएशन में तुम्हारा फायदा होना चाहिए, इसलिए कभी शर्त सुने बिना हाँ नहीं करते। तो उनका ये सब सिखाकर आप पर नुकसान काय करे थे? क्योंकि आर्यन सिंह राठौर कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाता। नाउ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो या नहीं? जी। गुड। लाइफ में कभी कुछ फ्री नहीं मिलता है, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। तुम चाहती हो मैं आदित्य कुमार त्रिपाठी को बचा लूं तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए, लेकिन उस आदमी को इस हाल में देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है उसका क्या? तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए मैं अपने सुकून का बलिदान क्यों दूं? तुम्हारी फैमिली को उनका बेटा मिल जाएगा, और मुझे मुझे क्या मिलेगा? तो काका चाहे तुम मैं आदित्य कुमार त्रिपाठी को हर इल्जाम हर जुर्म से आजाद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हालों के साथ आपने हिम्मत भी बढ़ा ली इसको तो। कैसा सर था आदित्य सर को आजाद करके तुम हमका कैद करके चाहते हो? तुमसे ब्याह कैसा कर सकता था? अगर हम तुमसे ब्याह कर लिए तो फिर आदित्य व्हाट? आदित्य सर इमली व्हाट? तुम तो ये अपने फैमिली की खुशी के लिए कर रही थी राइट? तो फिर आदित्य कुमार त्रिपाठी बीच में कैसे आ गया? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये उसका घर है, ये तुम्हारा परिवार है राइट? क्या कभी विश्वास नहीं होता कि हम तो का दोस्त अपन मेंटर अपन पार्टनर माने रहे, पर तुम ऐसा बेशर्मी से अपन बदला पूरा करे के खातिर हमका आदित्य सर के खिलाफ यूज कर? नो नो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इमली, जो भी करोगी तुम करोगी, अपना फायदा देखो प्रॉफिट, और अपनी पावर याद रखो। तुम्हारे पास चॉइस है एमली, तुम चाहो तो ना कर सकती हो। नहीं, हम कई शर्त मंजूर है, लेकिन फिर हमारी भी एक तो शर्त है, तुमसे ब्याह नहीं ब्याह का देखा ढूंढ करे। तुम आदित्य सर को चोट देवे के चाहते तो आपन ही मकसद बिना विधि विधान के बिना सीता मैया के आशीर्वाद के पूरा कर ले। इमली झूठ माँ कैद हो सकत है, पर बंधन माना ही It's a deal.